अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करना है। तो आइए आज के जो लेक्चर है स्टूडेंट, उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। कहता है कि जो फंक्शन गिवन है इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। कंटिन्यूटी चेक करने से क्या होता है स्टूडेंट, कहता है कि बताओ ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो यही स्टूडेंट हमने फंक्शन में चेक करना है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है जो पॉइंट गिवन है उसके ऊपर के नहीं है। अब स्टूडेंट, अगर आपको याद हो हम तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 कंडीशन पढ़ी थी। वो कंडीशन हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास हो तो वो किसी सी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा अगर वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता होगा। अब सुनो, वो 3 कंडीशन कौन से थी? सबसे पहले कि वो जो फंक्शन है कंडीशन 1, वो उस पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। और डिफाइन होने से क्या मतलब था कि जब हम उस फंक्शन में उस पॉइंट को पुट करें तो पुट करने से उस फंक्शन का कोई ना कोई आंसर जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि आंसर आना चाहिए। तो हम कहेंगे वो जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। सेकंड कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और एग्जिस्ट करने से क्या मतलब था? एग्जिस्ट करने से ये मतलब था कि उस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो अगर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ जाए तो हम कह देंगे उस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। और थर्ड कंडीशन स्टूडेंट ये थी कि जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन है और फंक्शन की जो लिमिट है इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ सी, ठीक है स्टूडेंट। ये 3 कंडीशन अगर कोई भी फंक्शन जो है वो सेटिस्फाइड करता होगा तो हम कह देंगे वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन वो सेटिस्फाइड नहीं करता तो हम कह देंगे वो डिसकंटिन्यूस है। तो आइए स्टूडेंट, इसका पॉइंट नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। ये स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टूडेंट हमने कंडीशन 1 जो है वो चेक करनी है। कंडीशन 1, अब कंडीशन 1 स्टूडेंट क्या थी? हमने वो फंक्शन चेक करना है एफ ऑफ सी, क्या उस पॉइंट के ऊपर वो, अब सी हमारे पास क्या गिवन है सामने, सी उसने कहा हुआ है सी इक्वल टू है 2 के। हमने चेक करना ये जो फंक्शन है इस सी पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है कि नहीं है, मीन कि आपने यहां से एफ ऑफ सी लेना है और एफ ऑफ सी में आपने 2 को पुट करना है। अगर पुट करने से उसका कोई ना कोई आंसर आ गया तो हम कह देंगे वो जो फंक्शन है इस सी पॉइंट के ऊपर क्या है? डिफाइंड है। अब क्वेश्चन सुनिए, यहां पे ये आता है कि ये हमारे पास आ गया पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन में पढ़ा हुआ है ऐसे फंक्शन जिसमें जो 2 या 2 से ज्यादा रूल से डिफाइंड हो। तो अब इस पीस वाइज फंक्शन में हमने कौन सा इसमें से वैल्यू लेनी है जिसके ऊपर हमने चेक करना है ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है? तो स्टूडेंट इन दोनों में से अगर किसी भी फंक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रूल आ रहे हो तो किस वैल्यू के ऊपर हमें चेक करना था कि ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है? तो हमने इसमें से वो वैल्यूज यानी कि वो फंक्शन पिक करना होता है, वो रूल पिक करना होता है जिसके साथ इक्वल का साइन आ रहा होगा। जिस तरह हम यहां पे चेक करें तो यहां पे आ रहा है x ग्रेटर देन 2, लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो आ रहा है x लेस देन इक्वल टू 2। तो जिस साइन में, जिस यानी कि रूल की डोमेन में, जिस रूल की डोमेन में स्टूडेंट
इक्वल का साइन आ रहा होगा, हमने उस रूल पे चेक करना होता है कि क्या ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है कि नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू टू, तो हम ये वाला यहाँ से चूज करेंगे 2x+5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एफ ऑफ सी जो है वो इक्वल टू है 2x+5। अगेन सुन लो स्टूडेंट, कंडीशन वन हमने जब भी आपके पास आ जाए पीस वाइज फंक्शन, हमने पढ़ा होगा कि पीस वाइज फंक्शन जो है वो एक ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रूल जो है वो डिफाइन हो। इसका मतलब फिर जब हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है तो उन किसी एक रूल के ऊपर चेक करनी होगी। तो हमने किस रूल के ऊपर चेक करनी है? हमने उस रूल के ऊपर चेक करनी है जिसके साथ इक्वल का साइन आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे चेक करें तो आ रहा है एक्स ग्रेटर देन टू, और यहाँ पे आ रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू टू। तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये वाला रूल हम लेंगे 2x+5, और इसके ऊपर चेक करेंगे क्या ये जो फंक्शन है वो सी पॉइंट के ऊपर सेटिस्फाइड यानी कि डिफाइंड है कि नहीं है। अब सिंपल हमने करना क्या है, हमने सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। तो जब भी यहाँ पे पुट करेंगे, याद रखना यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू होता है सी के, मीन के जो वैल्यू सी की होगी वही वैल्यू किसकी होती है, एक्स की होती है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं टू, ये 2 × 2+5, तो 2 × 2 = 4+5, और ये इक्वल टू क्या आ गया 9। देखो हमारे पास ये जो फंक्शन है सी के ऊपर क्या है, डिफाइंड है, इसका कोई ना कोई आंसर आ गया। तो हम यहां लिख देंगे फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड कंडीशन जो है वो चेक करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कंडीशन टू, कंडीशन टू में स्टूडेंट हमने क्या चेक करना होता है कि क्या फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और हमें कैसे पता चलेगा किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। तो आइए हम इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का हम फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ओ एक्स। अगेन यहां पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अब सी सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहां पे टू, और फंक्शन हमें इनमें से कौन सा रूल लेना है, हमें इसमें से उस रूल को फंक्शन पिक करना है जिसमें डोमेन जो है वो लेस देन आ रही हो। ठीक है, एक्स लेस देन वाला जो है वो रूल हमें चूज करना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि राइट हैंड के लिए एक्स ग्रेटर देन वाला जो रूल है वो हमने लेना होता है, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स लेस देन वाला जो रूल है वो हमने लेना होता है। तो यहाँ पे एक्स लेस देन यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये वाला हम फंक्शन के तौर पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x+5। अब यहाँ पे लिमिट हम अप्लाई कर देंगे तो सुनिए आ जाएगा 2 × 2+5, तो ये क्या बन जाएगा 4+5 = 9। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब सुनो हमने राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करनी है, तो हम इसकी राइट हैंड लिमिट जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का सबसे पहले हम यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ओ एक्स। अब यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की वैल्यू लिखेंगे वो है 2, इसके ऊपर प्लस का साइन। फंक्शन अब के तौर पे हमने किस रूल को यूज करना है जिसके साथ ग्रेटर आ रहा होगा, यानी कि एक्स ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए हमने जो है फंक्शन यूज करना है। अब x ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा रूल आ रहा है, यहाँ पे 4x+1, तो इसको हम फंक्शन के तौर पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x+1। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो उसमें ये बन जाएगा 4 × 2+1, तो ये 8+1 = 9। तो देखो सुनो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है।
अब कंडीशन हमने थर्ड चेक करनी है, कंडीशन थ्री, या हम लिखेंगे कंडीशन थर्ड, वो कौन सी थी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब देखो यहां पे सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहां पे सी की वैल्यू ये है यहां पे हमारे पास टू, तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आया है एफ ऑफ टू के। कैसे, एफ ऑफ टू का आंसर देखो क्या है स्टूडेंट यहां पे नाइन, तो यहां पे हम लिख देते हैं नाइन। अब लिमिट जब एक्स टू को अप्रोच कर रही थी तो हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है नाइन। ये जो इस तरह से हम लिखते हैं बेसिकली जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर होता है वही इसका आंसर होता है, तो यहां पे नाइन आ गया, तो ये नाइन इक्वल टू नाइन, इसका मतलब बोथ आंसर सेम आ गए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो हम लिख देंगे हेंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू टू। हम लिख देंगे ये जो फंक्शन है टू के ऊपर जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। सेम जिस तरह स्टूडेंट मैंने इसका पार्ट नंबर वन करवाया है, सेम आपने इसका जो पार्ट नंबर टू है इसी मेथड के साथ सॉल्व कर लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले कंडीशन वन लगानी है। कंडीशन वन में क्या लेना होता है, हमने एफ ऑफ सी फाइंड करना होता है, और एफ ऑफ सी के लिए हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, जहां पे इक्वल का साइन आ रहा होगा। तो हम अगर यहां पे चेक करें तो ये यहां पे आ रहा है एक्स इक्वल टू वन, तो इसके लिए फंक्शन यूज कर लेंगे फोर, ठीक है। फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने एक्स लेस देन वाला जो रूल है वो लेना होता है, तो एक्स लेस देन वाला रूल आ रहा है थ्री एक्स माइनस वन। फिर हमने राइट हैंड के लिए एक्स ग्रेटर देन के लिए जो रूल आ रहा होगा वो लेना होता है, तो एक्स ग्रेटर देन के लिए रूल आ रहा है टू एक्स, हम वो लेंगे, तो तीनों का आंसर चेक कर लेंगे क्या सेम आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सिंपल आपने ये चेक कर लिया करो, बहुत ईजी है, आपने चेक कर लेना क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी तीनों का आंसर सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, सिंपल। आप इस मेथड से डायरेक्ट क्या करो, एफ ऑफ सी फाइंड करो, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो, राइट हैंड लिमिट फाइंड करो, जब यहां पे कर लो तो एंड पे लिख दो हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ सी इक्वल है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर इन तीनों में से किसी एक का भी आंसर डिफरेंस आ गया, डिफरेंट आ गया मीन मुख्तलिफ आ गया, तो फिर हम कह देंगे ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूड है।